दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चैनल अंडर रिव्यू में है या फिर वो मोनेटाइजेशन के लिए भेज चुके हैं कि उनका चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो जाए। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कितना टाइम लगता है, कब मोनेटाइज होगा, क्या ट्रिक है कि जिसकी वजह से उनका चैनल जो ज़्यादा टाइम लग रहा है अंडर रिव्यू में है वो जल्दी मोनेटाइज हो जाए, कैसा तरीका है। तो आज की इस वीडियो में मैं 100% अच्छे एकदम रियल तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपना चैनल जो अंडर रिव्यू में है उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, फर्दर रिव्यू में है, तो क्या क्या आपको करना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल दुबे और आप देख रहे हैं एडजी टेक टॉक। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर मेरा जो चैनल है अंडर रिव्यू में है वो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगता है, क्या क्या है। तो मैं आज सारा वीडियो जो उनका क्वेश्चन है उनका आंसर मैं दे दूंगा। उनसे प्रॉमिस किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और रिसर्च करके भी लाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे दोस्त का एक चैनल है, उन्होंने अपना जो चैनल है मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था और उनका चैनल 30 डेज़ के लिए जो था उससे ज़्यादा हो गया था टाइम, उसके बाद भी अप्रूव नहीं था, अंडर रिव्यू में था। तो वो मेरे पास आया, फिर उसने बोला कि ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो उसका जो चैनल ऑन हुआ है, जो सारा प्रोसेस मैंने किया है, तो आप भी शायद अगर उसे कंप्लीट करें तो शायद हो सकता है। पहले नंबर में जो बात करता हूँ, अगर फेस का वीडियो बना रहे हैं, आपका 100% ओरिजिनल है, जो चाहे मीम से हो, वाइन से हो, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या टेक्स रिलेटेड है, न्यूज़ का है, अगर आपका फेस का वीडियो पड़ा है, भले ही 2-3-4 है, तो आपका चैनल 3 से 7 दिन के बीच में अप्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं जो वॉइस ओवर करते हैं या फिर जिनका थोड़ा न्यूज़ रिलेटेड है, वो अपना फेस नहीं डालते, न्यूज़ बॉलीवुड न्यूज़ बहुत सारे चीज़ें जो नॉलेज है फैक्ट्स बताते हैं, उनका जो चैनल है वो जा रहा है 30 डेज़ के आगे या फिर फर्दर रिव्यूज़ में। तो मैंने जो किया, उसका चैनल फैक्ट का था, तो मैंने उनका चैनल जो था मैंने मेल किया क्रिएटर सपोर्ट को। आपको भी अगर ज़्यादा टाइम है, 30 डेज से ज़्यादा लग गया है, तो आप भी यूट्यूब के क्रिएटर सपोर्ट को मेल कीजिए। दोस्तों जो ईमेल आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे देख के आप मेल कर सकते हैं। मेल में आप सिंपल जो सारा है दिक्कत आपको लिख दीजिए, कितने दिन हो गए हैं, कितना, लेकिन आपको अगर मेल करना है, अगर 15 डेज से ज़्यादा हुआ है तब आप मेल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि 15 डेज तक आप वेट कीजिए। तो वहाँ पे बोलता हूँ, उसके बाद मेल करके पूछिए, वो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। फिर वहाँ से उनका रिस्पॉन्स आया कि जो इनका चैनल है वो फर्दर रिव्यू में चला गया है। फिर मैं मुझे लगा कि इसके कुछ कंटेंट में दिक्कत है, तो मैंने जो चेक किया, तो अभी जो यूट्यूब का न्यू पॉलिसी आया है कि रीयूज कंटेंट पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही कंटेंट टाइप का बनाते हैं, उस पर कॉपीराइट का इशू नहीं होता, लेकिन एक ही कंटेंट से सभी लोग पैसा बना रहे हैं, तो वो दिक्कत होगा, क्योंकि उसने जो वीडियो अपलोड किया था वो रीयूज कंटेंट था और ज़रा सा भी मतलब उस वीडियो पे कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं थी, तो 2 वीडियो मैं डिटेक्ट किया था और डिलीट कर दिया था। उसके बाद उसका भी चैनल वॉइस ओवर था, तो बाकी सब चीज़ें चेक किया और मैंने उसको समझाया कि आप अगर फ्री जो होता है, जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस वीडियो हैं, अगर व्यूज़ भी कर रहे हैं, जो वीडियोज़ हैं अगर व्यूज़ भी कर रहे हैं, तो उसको मॉडिफाई कीजिए, सेम डिट्टो वही बात मत डालिए, मतलब 100% वही ना रहे, अपना खुद का कुछ क्रिएटिव कीजिए, तो वो आपका रियूज कंटेंट में नहीं आएगा, आपका अप्रूव हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, उसने गलती क्या की थी कि उसने जो अपना डिस्क्रिप्शन है, मैं जब भी चेक करता हूँ तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स सारा देखता हूँ, तो टैग्स सही था, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने टैग्स डाले थे, ये गलत है। आप डिस्क्रिप्शन में टैग्स नहीं डाल सकते, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, और इसका जो वीडियो है आप देख सकते हैं, क्या सारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स सारा अच्छे से मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ से जो हुआ, देखिए जो टैग्स था मैं रिमूव किया और जो 2 रियूज कंटेंट था मैंने डिलीट किया, तो यहाँ पे ये चीज़ उसका हो गया कन्फर्म। फिर मैंने बोला उससे कि अब 1 हफ्ते बाद तुम जो ये वीडियो है, अच्छे अच्छे वीडियो, 1 या 2 फेस वाले वीडियो डाल दो, अपने चैनल ट्रेलर में एक डाल दो और बाकी डाल दो, तुम्हारा 2 से 3 दिन में जाएगा। फिर 7 दिन बाद रिप्लाई उसने किया, जो मेल किया कि ये है, और जैसे ही मेल किया उसने, 2 दिन बाद उसका चैनल अप्रूव हो गया, ऑन हो गया, मेल आ गया कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। तो ये सारा जो ट्रिक है आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। दोस्तों YouTube में क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को आप खुद देखते हैं,
जैसे कि टेक्निकल दोस्त हैं, ये क्या करते हैं कि अपने सारे वीडियोस पे, बहुत सारे वीडियोस पे वो म्यूजिक डालते हैं जो बॉलीवुड का है, टी सीरीज का है, सारा 30 सेकेंड तक यूज़ करते हैं, फिर भी कॉपीराइट कई गानों पे आ जाता है। तो उनको देखते हुए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी अगर 30 सेकेंड तक यूज़ करेंगे तो हमको कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो ज़रा सा भी आप दूसरे कंटेंट यूज़ कर रहे हैं जो आपका खुद का है, क्योंकि वो बारीकी से निरीक्षण करते हैं। अगर आपका चैनल डिटेक्ट किया कि ये दिक्कत है तो आपका चैनल अप्रूव नहीं होगा। इसलिए स्टार्टिंग में जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आपको यही करना है कि आपको 100% रियल कंटेंट डालना है। अगर आप स्लाइड्स और वीडियो बनाते हैं तो आप इमेजेस जो कॉपीराइट फ्री रखिए, और इमेजेस को क्या है कि जहाँ से भी लेते हैं, गूगल से भी लेते हैं, तो यूज़ अलाउ जो ऑप्शन है टूल्स में वो ऑन करके लें, या फिर फ्री स्टॉक की जो वेबसाइट्स हैं मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि टॉप 5 फ्री स्टॉक कौन सी हैं जहाँ पर इमेजेस यूज़ करके आप स्लाइड शो के वीडियो बना सकते हैं, चाहे न्यूज़ हो चाहे जो हो। दोस्तों आज के स्टूडियो में इतना ही था, मैंने बता दिया कैसे आप अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन का दिक्कत चल रहा है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो आपके बहुत काम आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ कवरेज करने के लिए हमसे जुड़े रहें, ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।